कैसे आप सभी? तो स्वागत है आपका विक्रम एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पर। तो मैं इस वीडियो में आपको मैं जो भी चीज़ें बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर जो भी चीज़ें भी मेरे पास शेष है, बची हुई है, टूटी फूटी नहीं है, जो भी बची मैं आपको सारी बताऊँगा एक साथ से। तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो पर अच्छी होने वाली है। तो चलो, तो मैं आ गया हूँ। तो आप सोच रहे भी कहाँ से आया है। तो मैंने सारी चीज़ें ढूंढ के एक साथ एक कटी कर लिए, मेरे को मिली जो आप नहीं मिली उसको कमेंट में कर देना भाई ये चीज़ कहाँ पे गई। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ, ये रहा हमारा जनरेटर। इसके अंदर ये मोटर, तो मोटर भी ये रही आप देख सकते हो। इसके अंदर अभी भी चलेगा मोटर, हमारे काम में आती रहती है इसलिए यहाँ पे। तो इसको तो करते हैं गाय। तो अब ये रहा हमारा कूलर, तो ये रहा कूलर। तो इसके बुर्जे तो खुल गए सारे, अब हड्डियाँ बची है, कुछ भी नहीं बचा है। अगर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा तो टाइम तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं डायरेक्ट एक से आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो इसको भी कर देता गाइस, मैं यहाँ पे मेरे सेटअप बनाया है, यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखाऊंगा। तो मैं चुप हो जाता हूँ और यहाँ पे एक एक करके सामान रखते जाता हूँ आपको दिखाऊँ। अभी आप देख सकते हो इतना कुछ सामान आ गया है, मेरे को मिला जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अभी तो रुको, अभी और बाकी है, अभी मैं और लेके आता हूँ। वो है ये वीडियो, अब वो ये पूरा सामान, वो सब मैं लेके आया हूँ। अब मैं इनके बारे में, सबके बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है और क्या क्यों है। तो आप देख सकते हो, पहले तो ये जैसी भी देख सकते हो आप, ये जैसी भी थी मैंने बनाई थी, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। ये बहुत पुरानी लकड़ी की, मैंने इंजेक्शन सारे इसके निकाल दिया, आप देख सकते हो। इसको तो हटाते हैं अब जेसीबी की बाद में आप देख सकते हो ये बजर है। आप सोच रहे हो इसकी ऊपर किस चिपका रखा है, तो ये बजर है। मैंने बजर गेम बनाया था एक बार पहले, बहुत दिनों पहले इसको बजर गेम बनाया था। यहाँ पे एक तार भी था, वो निकल गया है, तो इसको भी तो हटाते हैं, आप देख लेना वीडियो। तो आगे चलते हैं, आप देख सकते हो ये एक ही पीवीसी पाइप है, इसके अंदर होली होल और क्या, आप देख सकते हो। ये इससे मैंने पहले डिस्को लाइट बनाई थी, जो भी टूट फूट के ऐसा हाल है इसका आखिरी का। तो इसको भी गायब करते हैं। तो आगे देख सकते हो हमारे पास ये बल्ब है, इस बल्ब को मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने एक बैटरी लिया है, मैं आपको इसको जला के दिखा देता हूँ। ये अच्छे से अभी भी वर्क करता है, ये देख सकते हो। लाइट बंद करो रे, अभी आप देख सकते हो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। तो लाइट्स ऑन, तो ये तो हो गया हमारा, इसको भी हटा देते हैं। तो हमारे अगली कदम बढ़ाते हुए, तो ये रहा हमारा पावर, इसकी भी टूटी फूटी हालत हो गई है। इसके अंदर बस इसका टर्बाइन रह गया है और सब ये खोखला है, इसके अंदर मोटर की कमी है। अभी चलता भी है, लेकिन अभी मोटर तो हटा दिया मैंने, वो तो चाहती रहती है उसको। तो आप देख सकते हो अभी भी इसको खोल के भी नहीं दे सकते, इसको मैंने फिर भी कैसे चिपका दिया था। तो आप देख सकते हो, तो इसको हटा लेते हैं। तो अगली चीज़ की ओर बढ़ते हुए, ये रहा हमारा जनरेटर, ये भी अच्छे से वर्क करता है, ये मोटर काम में आती रहती है। तो मैंने इसको इसलिए लगाया था ताकि हम अगर बाद में हटा भी सके और मोटर को लगा भी सके। तो ये भी अच्छे से वर्क करता है। इसके वीडियो पे मेरे कॉपीराइट क्लेम आ गया था, क्या पता कैसे क्यों कैसे आ गया पता नहीं, फिर भी इसको हटा देते हैं। और ये है हमारा कूलर, इसको मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया था आपसे सुमे वीडियो में, तो फिर भी इसको देख सकते हो आप। इसके अंदर बस ये पाइपलाइन बची है, इसके अंदर पाइप सप्लाई, और ये पीछे से भी अच्छे से वर्क करता है। ये देख सकते हो, ये अच्छे से खुलता है, पीछे से देख सकते हो। इसका टैंक अभी भी अच्छे से पानी भरा जा सकता है, इसके अंदर अभी भी पानी क्लियर नहीं करता है। तो वापस से इसके जाले को लगा देते हैं। तो इसकी वीडियो आपको कैसी लगी थी, वीडियो इसकी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना उस वीडियो को देख के।
तो इस कूलर को बनाने में बहुत टाइम लगा था मेरे को। इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हो कि मैं गोल काट रखा है। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा था मेरे को इनको अंदर देखो छोटी छोटी फिनिशिंग देने के लिए, बहुत टाइम लगा था। फिर भी वीडियो उस मेरे वीडियो लिस्ट में जाके इसकी वीडियो को देखने ला, ये बहुत अच्छे से बना था, हमारे अच्छी डिजाइन भी थी इसकी, तो इसको भी हटा देते हैं। तो अभी रुको रुको, मेरे को अभी पता चला है कि मैं भी इस सारों को सामानों के इंट्रोड्यूस कराता था। तो अभी तो ये रही वो चीज, ये देख सकते हो आप, इसको आप पहचानते होंगे, ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है मेरा, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, ये अच्छे से बन भी गया था, अच्छे से वर्क भी करता है, आज भी इसको मैं काम में लेता हूँ। और ऐसे लाइट वाइट चल जाती है तब, और मेरे पास कैमरा लाइट नहीं होती थी, मोबाइल की लाइट बहुत कम होती थी, तो इससे मैं अपनी कैमरा लाइट बना लेता था। ये इसकी उजाला भी बहुत अच्छा है, अभी तो मैं देख सकते हो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अब ये तो पुराना हो गया, इसकी डिजाइन भी पुरानी लगने लग गया अब तो इसको हम इसको तोड़ ताड़ के इसके इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है उसको निकालेंगे बाहर, और इससे कोई अलग चीज़ और बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो में आप देख सकते हो उसको मैं। तो ये भी हो गया, तो मैंने लगभग लगभग हमने सारे चीज़ों बनाई, जो भी चीज़ बनाई, जो भी सामान बनाया उसके बारे में आपको जानकारी दे दी, उसको बता दिया है, आपके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो।